हरे कृष्ण बच्चों, तो अभी हम लोग बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों कि कभी भी आपको बहुत सारी बार ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिन क्वेश्चंस के अंदर क्या किया जाता है, वो क्या करेंगे कि एक जैसे कि एक ना सिस्टम लटका दिया इक्विलिब्रियम में, और ये अब इक्विलिब्रियम में है पूरे का पूरा सिस्टम। ठीक, आपसे क्या पूछ लिया जाएगा बच्चों कि अगर उन्होंने इस स्ट्रिंग को कट कर दिया, जैसे कि या तो इसको कट कर दिया या इसको कट कर दिया या इसको कट कर दिया, तो आपसे पूछ लिया जाएगा बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बताओ किसका क्या एक्सेलरेशन होगा। लेकिन बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है कि जस्ट जिस मोमेंट पे कट किया जाए हम लोग उसी मोमेंट पे बता रहे हैं। याद रखो जो मैं पहली बात, ध्यान से सुनो इस चीज़ को, कि जस्ट जैसे ही कट किया उसी मोमेंट पे आपसे एक्सेलरेशन पूछे गए हैं। ठीक है, अभी जैसे कि देखो यहां पे मैं पहले एक केस करूंगा, फिर उसके बाद पहले मैं यहां पे इसको द स्प्रिंग बिटवीन सीलिंग एंड ए इज कट, पहले इसको कट करेंगे, फिर उसके बाद बच्चों ए एंड बी के बीच की रस्सी को कट करेंगे, फिर बी और सी को जब आपको कट करना है तो आप लोग क्वेश्चन को करके देखना आपके लिए। ठीक है, अभी ये देखो बच्चों, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोग ये बच्चों जो मैं दो तीन चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को, अगर आप उनको ध्यान रख लोगे तो आपके कभी भी ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। सबसे पहली बात बच्चों कि पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम में, पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो पहले इनके अंदर आई हुई टेंशन कैलकुलेट करो। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे सारों का मास बराबर है, तो ये स्प्रिंग जो एक ये स्प्रिंग सबसे निचली बी और सी के बीच की, ये क्या कर रही होगी, इस ब्लॉक सी के वेट को हैंडल कर रही है, ब्लॉक सी के वेट को हैंडल करने लग रही है बच्चों, तो इसके अंदर T3 हो जाएगा mg के बराबर। क्यों? क्योंकि बस ये एक ही ब्लॉक को वेट हैंडल कर रही है। यहाँ के जो टेंशन हो जाएगी वो किसके बराबर, T2 हो जाएगा 2 mg के बराबर। ठीक है, और बच्चों ये हो जाएगा किसके बराबर, T1 इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी सॉरी बच्चों, यहाँ पे T1 हो जाएगा 3 mg के बराबर, T2 हो जाएगा 2 mg के बराबर, और T3 हो जाएगा mg के बराबर। सही है भाई। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसमें टेंशन 3 mg, इसमें टेंशन 2 mg और इसमें टेंशन mg। ठीक, अभी आपने क्या किया बच्चों, ऊपर की छत की जो ये स्प्रिंग थी इसको कट कर दिया। सबसे पहले जो तीन बात मैं आपको बताऊं, वो पहली बात ये बच्चों जो आप लोग लिख सकते हो, क्लियरली नोट डाउन कर लो इनको, कि जो भी चीज कट जाएगी उसकी वैल्यू हम जीरो मान लेंगे जस्ट जिस मोमेंट पे वो कट गई। ठीक है, ध्यान से सुनो, दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ कट जाएगी, जैसे कि अगर ये स्प्रिंग अभी कटेगी, ये स्प्रिंग कटते ही इसकी वैल्यू कितनी मान लेंगे, जीरो। अगर मैं इस रस्सी को काटता तो इसके कटते ही इसकी वैल्यू कितनी, जीरो। इस स्प्रिंग को काटता तो कटते ही इसकी वैल्यू कितनी, जीरो। पहली बात याद होगी भाई, लिख लो इसको। दूसरी बात बच्चों, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जो स्प्रिंग्स रहती हैं, स्प्रिंग्स की जो फोर्स रहती है बच्चों वो रहती है एफ इज इक्वल्स टू के एक्स। ठीक है, और अभी हम लोग इतने जल्दी की बात कर रहे हैं एट द इंस्टेंट कि एक्स सडनली चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो अगर कोई स्प्रिंग कट गई इनमें से तो कटते ही उस स्प्रिंग की तो वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। लेकिन जो स्प्रिंग्स बची हुई हैं उन स्प्रिंग्स की वैल्यू सडनली चेंज नहीं होगी। ध्यान से सुनो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो स्प्रिंग्स बची हुई हैं उनकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग की वैल्यू चेंज होने के लिए एक्स को चेंज होना पड़ता है, एक्स को चेंज होने में टाइम लगता है। ठीक है भाई, इसी में ही अगली बात कि रस्सी की वैल्यू चेंज हो सकती है, रस्सी की वैल्यू सडनली चेंज हो सकती है। ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं दूसरी बात में ही, कि टेंशन कैन सडनली चेंज इट्स वैल्यू, तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगले पॉइंट पे बच्चों, जो अपना तीसरा पॉइंट है कि सर अगर आपने अभी कह दिया कि टेंशन कैन सडनली चेंज इट्स वैल्यू, तो हम लोग तो फंस जाएंगे, हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, हमें टेंशन की वैल्यू नहीं पता चलेगी। इसके लिए बच्चों क्या अच्छी बात है, जिन दो ब्लॉक्स के बीच में रस्सी कनेक्टेड रहे उन दोनों को सिस्टम मान लेना। समझ में आया?
जब मान लो कि अगर मान लो ये आप ऊपर वाली स्प्रिंग कट करते हो, ऊपर वाली स्प्रिंग कट कर देगा तो ए और बी के बीच में रस्सी कनेक्टेड रहेगी। ए और बी को क्या मान लेना, सिस्टम। सिस्टम मानने का क्या मतलब है बच्चों, कि दोनों का एक्सलरेशन इकट्ठा क्या मान लेना, सेम। आप ऐसा कह देना कि ए और बी एक कंबाइन ब्लॉक की तरह बिहेव करने लग रहे हैं, समझ में आया। अभी मान लो कि ए बी को ही कट कर दिया जाए, ए बी को ही कट कर दिया जाए तो सिस्टम मानने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता, क्यों, क्योंकि बच्चों अभी में रस्सी बची ही नहीं। अगर बी और सी के बीच की स्प्रिंग को कट कर दिया जाए तब भी हम क्या कहेंगे, ए और बी को क्या मान लेंगे, सिस्टम। सिस्टम अलग है, कंबाइन मास जिसका नेट इफेक्ट जो एक टोटल इकट्ठे मास की तरह माना जा सकता है। चलो बच्चों तो अभी पहला क्वेश्चन करने लगते हैं। द स्प्रिंग बिटवीन सीलिंग एंड ए इज कट, तो देखते हैं किसका एक्सेलरेशन कितना आएगा। ये देखो भाई, हम लोगों ने सबके अंदर बच्चों टेंशन कैलकुलेट की हुई है। तो सबसे पहले आपने सी का एफ बी डी बनाया, सी का एफ बी डी बनाया तो बच्चों सी के ऊपर देखो जो जो सी से कनेक्टेड उन सबकी फोर्स दिखाओ। सी के ऊपर कौन कनेक्टेड है, ये स्प्रिंग कनेक्टेड है, ये स्प्रिंग कनेक्टेड है। स्प्रिंग अभी मैंने क्या बताया था दूसरे पॉइंट में कि स्प्रिंग अपनी वैल्यू को सडनली चेंज नहीं करेगा। तो स्प्रिंग के अंदर कितनी टेंशन थी, एम जी थी। तो हमने इसके ऊपर ऊपर की तरफ टी थ्री दिखा दिया जो किसके बराबर है, एम जी के बराबर। और नीचे की तरफ भी कितना दिखा दिया, एम जी, क्योंकि जो ग्रेविटी से लगा है। अगर आप देखोगे तो बच्चों ए सी कितना आ गया, जीरो आ गया, क्योंकि दोनों तरफ फोर्सेस क्या हैं, बराबर। तो मतलब कि जैसे ही इसको कट किया जाएगा सडनली ए सी का कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। अभी बच्चों दूसरी बात, ए बी, बच्चों ए बी के बीच में तो क्या कनेक्टेड है, रस्सी कनेक्टेड है। हम दोनों को क्या मान लेंगे, सिस्टम। पॉइंट नंबर थ्री में बताया था ना मैंने, हाँ, तो इन दोनों क्या मान लो, सिस्टम। सिस्टम मानते ही बच्चों क्वेश्चन खत्म आप लोगों का। आप कहोगे कि सर सिस्टम मानते ही ए प्लस बी को अगर मैंने सिस्टम माना तो टोटल मास कितना हो गया, टू एम। ऊपर की तरफ फोर्स कितनी अभी, जीरो। क्यों, क्योंकि बच्चों देखो ऊपर की तरफ ये स्प्रिंग कनेक्टेड थी और स्प्रिंग तो क्या हो गई, कट हो गई। मैंने पहले पॉइंट में क्या बताया था, जो कट जाए उसकी वैल्यू कितनी, जीरो। नीचे की तरफ क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, नीचे की तरफ बचेगी इनका खुद का एम जी लगेगा जो कितना हो जाएगा, टू एम जी। प्लस नीचे की तरफ ये टी थ्री भी तो लगेगी और टी थ्री सडनली चेंज नहीं होगी तो ये कितना हो जाएगा, एम जी। तो अगर हम देखेंगे इस पे एफ नेट किस तरफ आ गई, नीचे की तरफ आ गई। नीचे की तरफ कितनी एफ नेट आई बच्चों, थ्री एम जी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सर एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बी जो हो गया बच्चों टोटल फोर्स थ्री एम जी डिवाइडेड बाय टोटल मास टू एम। ये कैंसिल किया, ये आ गया बच्चों थ्री बाय टू जी। अभी किसी ने आपको कह दिया कि फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालने में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सिर्फ अकेले एक एफ बी डी बना दो। ए के ऊपर की तरफ फोर्स कितनी, जीरो, ठीक है। नीचे की तरफ इसका खुद का एम जी, प्लस नीचे की तरफ और क्या लग गई, टेंशन लग गई, और नीचे की तरफ इसका क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया जो किसके बराबर हो गया, थ्री बाय टू जी के बराबर आ गया, ठीक है भाई। तो इस तरीके से बच्चों ये अपना क्वेश्चन हो गया। आपको पता ही है एम जी प्लस टी इज इक्वल्स टू थ्री बाई टू जी कह देंगे बच्चों हम लोग, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसका सॉल्यूशन अगर देखना ही चाहते हो, तो एम जी प्लस टी इज इक्वल्स टू मास इन टू थ्री बाई टू जी। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी शायद एम जी बाई टू, कैलकुलेशन देख लेना बच्चों एक बार, ठीक है, ओके। अभी देखो इससे अगला पार्ट एक बार और कर लेते हैं, फिर उसके अगला पार्ट आप लोग कर सकते हो बच्चों। द स्ट्रिंग बिटवीन ए एंड बी इज कट, ए और बी के स्ट्रिंग को कट कर दिया। हम कहेंगे सर कंसेप्ट हमारे सेम ही है। सबसे पहले ऊपर वाली रस्सी में टेंशन कितनी थी बच्चों, थ्री एम जी थी। इसमें कितनी थी, टू एम जी थी। इसमें कितनी थी, एम जी थी। अभी हमने कहा कि सर चलो सर सबका एफ बी डी बनाने लगते हैं, एक एफ बी डी बनाने लगे बच्चों। एक एफ बी डी में ऊपर की तरफ स्प्रिंग लग रही है, स्प्रिंग का कोई ताकत में चेंज होने वाला नहीं है। नीचे की तरफ इसका खुद का ग्रेविटी का एम जी लगा, टेंशन का इफेक्ट कितना हो गया, जीरो। नेट फोर्स किस तरफ आ गई बच्चों, ऊपर की तरफ कितनी आ गई, थ्री एम जी माइनस एम जी अपॉन एम। कितना आ गया बच्चों, ये टू जी आ गया। इसका एक्सेलरेशन किस तरफ आ गया, ऊपर की तरफ। अगर आप यहाँ पे चाहते तो बी का भी एफ बी डी बना सकते हैं। बी का एफ बी डी में बच्चे नीचे की तरफ क्या लगेगा, देखो अभी इस स्प्रिंग का भी टेंशन चेंज होने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग में सडनली टेंशन चेंज नहीं होती जो किसके बराबर आ गया, एम जी। प्लस इसका खुद का वेट, ठीक है भाई, ये तो थी टेंशन बच्चों और ये है इसका खुद का वेट। और कोई फोर्स है नहीं, क्योंकि सर इसके ऊपर रस्सी रस्सी कनेक्टेड थी और रस्सी की तो वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई थी।
ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह देंगे बच्चों, नीचे की तरफ टोटल फोर्स लगी 2mg इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, यहाँ से बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आ गया 2g के बराबर आ गया। अभी तक आप लोग एक्सपर्ट हो ही चुके हो, सी का मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ बच्चों, सी के ऊपर की तरफ फोर्स लगी mg, किसके कारण, स्प्रिंग के कारण, जो वैल्यू सडनली चेंज नहीं होने वाली है, नीचे की तरफ ग्रेविटी का mg लगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल, एक्सेलरेशन कितना है 0। ठीक है, अभी जब इसको सी को करोगे तो मैं हिंट बता दे रहा हूँ बच्चों, जब हम लोग इसको कट करेंगे, इसको कट करते इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी बच्चों। तो ये सी पे सिर्फ एक फोर्स बचे, किस तरफ, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ कोई फोर्स है नहीं, तो कितना एक्सेलरेशन गिरेगा जी से, और इन दोनों को क्या मान लेंगे सिस्टम। ठीक है, इन दोनों को क्या करना पकड़ के सिस्टम मान लेना, ये वैल्यू सडनली चेंज होने वाली है नहीं, नीचे की तरफ mg रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।